कहते हैं जिंदगी में हर चीज का इलाज है, पर लगी हुई चुल का इलाज कुछ नहीं है। मुझे 2 से 3 दिन के लिए किसी चीज की चुल लगी थी, बहुत तगड़ी। अब जाके मैंने मिटा तो लिया, पर वो कितनी महंगी मिटी है वो मुझे पता है। सच में कुछ लिया है मैंने अपने लिए, अपने इस चैनल के लिए, गैजेट ही है। तो बहुत ही दिन से मैं तड़प रहा था उस चीज़ के लिए, सोच रहा था खर्चा ना करूं, कुछ प्लान्स है आगे उसमें इन्वेस्ट करूं, बट यू नो चुल मिटाई नहीं मिटती, वही हुआ मेरे साथ। ये है वो आइटम जो शरफ डीजी से मैं अभी अभी परचेज करके लाया हूं। घर जाके आपको बताता हूं कि ये है क्या, तब तक आप गेस कीजिए अगर आप गेस कर सकते हो। और फिलहाल अभी मैं कहाँ पे हूँ, अबूधाबी मॉल। ये चुल वैसे जो है अबूधाबी मॉल आके हुई, शरफ डीजी गया वहाँ पे, सामान पड़ा हुआ था तो ख़रीद लिया। अबूधाबी मॉल जो मेरे अभी बिल्कुल पीछे है, आप देख पा रहे होंगे शायद। और ये जो स्ट्रीट है, मुझे स्ट्रीट का नाम नहीं पता, बट काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है ये। चलिए फिर घर चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं क्या लिया है मैंने, कहाँ मैंने अपने पैसे घुसाए हैं, और अभी देखते हैं। ये है बस रिचार्ज करने की मशीन, फिलहाल कार्ड्स, यहाँ कार्ड डालो, अमाउंट लिखो, पैसा डालो। और ये कार्ड है बस का, जो पंच करते हैं बस के अंदर घुसने से पहले, बाहर निकलने से पहले। पंचिंग मशीन भी आके आपको दिखाते हैं। और ये बीच में 2 सीट्स, यहाँ पे लोग नहीं बैठ सकते, फाइन है 2-3 हज़ार का फाइन है। ये बटन दबा के बस रोकी जाती है, और ऐसे हमने बस रोकी। ये मशीन यहाँ पे पंच करना है, ठीक है। और ये रास्ते जितने खाली यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, जितनी रोड खाली दिख रही है, दिन के टाइम में नज़ारा ही कुछ अलग होता है। अब हम घर आ गए हैं और जितना पैसा कुंडा करवाना था करवा लिया, अब मन को शांति मिल गई है, खर्चा हो चुका है। तो अब दिखाते हैं अब हम लेकर के आए हैं। ये है DJI Pocket 2, ठीक है ना। ये एक कैमरा है, काफ़ी खूबसूरत गिम्बल के साथ कैमरा है ये, आगे एक छोटी सी स्क्रीन दी हुई है। और ये कॉम्बो पैक है, तो इसके साथ कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ अभी, ठीक है, और उसकी वीडियो मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वीडियो होगी, जिसके अंदर इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, कैसे काम करता है। सो, अब हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि मैं क्या लेके आया हूँ, ठीक है। और इसकी अनबॉक्सिंग जो उनसी है एक नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जिसके अंदर आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आप इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो देखना मत भूलना। दोनों वीडियोज़ कोशिश करूँगा साथ में डालूँ ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, और उसके बाद फिर अपने आने वाले फिर व्लॉग्स अपने इस छोटे से कैमरा के थ्रू डालूँगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मेरी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि जब से मोबाइल से बना रहा हूँ तब से काफ़ी मेरे फ्रेंड्स और इन सब ने बोला है कि भाई क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और यू नो फ़ोन शेक करता है, तो उसके लिए ये गैजेट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले व्लॉग के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए, और इसका अनबॉक्सिंग देखना मत भूलना। थैंक यू।